ना पीछे तो उतार। चलो देखो गाइस मेरे मामा करने दे रहे हैं, जल्दी दो। एक मिनट रुक ये साला। अरे गाइस आज मेरे मामा जो है करने दे रहे हैं पतंग। चलो दे दिए ये पतंग गई, ये अब खानी ये लग रही है। ये पतंग के ड्राइवर परेशान होते हुए ये पतंग उड़े नहीं रही है। ब्लॉग बना रहा था मैं 15 अगस्त की खुशी में। देखो ये फ्लैग भी है, मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। अभी सब लोग हम लोग फोटो खिंचा रहे थे पर बारिश आ गई, बहुत ज्यादा मौसम खराब है। अब देखो फ्लैग झंडे के साथ वीडियो बनवा रहा है। देखो कि मेरा भांजा है, देखो ये बना को पूरा मौसम छा रहा है, नहीं तो आपको दिखाता हूँ। और देखो झंडे वगैरह बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे थे और सब चले गए, बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी फैमिली के सब मेम्बर यहीं बैठे हुए, ये भैया हमारे जीजा हैं, छोटा लो भाई है, ये उनकी बहन है, सब आए हुए हैं आज। और देखो झंडा पीछे लहर आ रहा, पर इतना ज़्यादा मौसम खराब है इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रहा, पर थोड़ा सा आपको सोचा बना के दिखा देते हैं। दोस्तों देखो छत पर इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना बढ़िया लग रहा है। देखो बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है। बाकी मेरे तरफ से कैमरा सही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है इस वजह से, और देखो पीछे झंडा लहर रहा है। बारिश की वजह से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं तो दिखाता हूँ आपको, और ज़्यादा बैक साइड से दिखाता हूँ आपको। देखो बैक साइड से कितना मौसम खराब है बारिश का, देखो और पर झंडा कितना लहरा, कितना प्यारा लग रहा है। देखो आपको दिखाता हूँ मैं बैक साइड से, बाकी सब बच्चे उतर गए इसलिए बारिश की वजह से, नहीं तो बहुत ज़्यादा शोर शराब हो रहा था, बहुत अच्छा सा लग रहा था। देखो बाहर से दिखाता हूँ, टावर भी है, टावर में भी झंडा लगा हुआ है। देखो देखो कितने सारे बच्चे, कितना फ्लैग लग रखा है हमारे आस पास में, और कितना अच्छा मौसम सा रहा। देखो बाहर तो कितना बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं, 7 रेनबोज दिख रहे हैं। देखो हमारे इधर कलर तो वैसे 3-4 ही आ रहे हैं। देखो और धनुष भी पूरा धनुष के आकार में आ गया। देखो ये बैक साइड से कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो झंडा भी ले रहा है। ये कभी कभार निकलता है, आज निकला 15 अगस्त पे, बहुत मज़ा सा आ रहा है। अभी ये पतंग उड़ने वाली सिद्धू मूसे वाले की, सिद्धू मूसे वाली वीडियो बनेगी, और ये पतंग उड़ेगी। अभी देखो सिद्धू मूसा ऊपर जाएगा। देखो और मैं सलूट करता हूँ सभी लोगों को, देशवासियों को अपने। देखो कितना बढ़िया लग रहा है पूरा लहरते हुए, मैंने 4-5 दिन हुए लगाए हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोगों ने लगा रखा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हर घर घर पर लगे हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त के द्वारा सभी लोगों को निर्दित किया गया है कि सभी लोग लगाएं, ये झंडा लगाने का अभियान चालू हुआ है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देश के प्रति आदमी को प्यार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब मिलकर रहें अपना, और देश हमारा आगे बढ़ता रहे, तरक्की के अनुसार जाता रहे। देखो कितना प्यारा लग रहा है फ्लैग उड़ता हुआ, और बैक साइड से देखो हमारी जी आई लग रहा, कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा, पतंग ज़्यादा उड़ नहीं रही है, थोड़ी सुस्त साइड दिख रही है, पर उड़न दिख रही है, पर हमारे कैमरे में नहीं आ रही, बहुत छोटी पतंग उड़ रही है उधर की तरफ, बहुत छोटी पतंग उड़ रही है, पतंग के गन्ने सही हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो इधर भी बच्चे लोग कितने पतंग उड़ा रहे हैं, देखो अब उड़ने लगी पतंगें, अभी तक कोई पतंग नहीं दिख रही थी, अब उड़ने लगी हैं, दिख रही है थोड़ी बहुत पतंग उड़ती हुई है। देखो 3-4 उधर की तरफ उड़ रही है, मैं उधर उंगली करता हूँ, थोड़ा मौसम भी बहुत प्यारा सा हो रहा है। पीछे चलो देखो गाइस मेरे मामा करने दे रहे हैं, जल्दी दो। एक मिनट रुक गाइस, आज मेरे मामा जो है करने दे रहे हैं पतंग। चलो दे दिए ये पतंग गई, ये अब खानी ये लग रही है। ये पतंग के ड्राइवर परेशान होते हुए ये पतंग उड़े नहीं रही है, ये पतंग कह रही है मुझे दो। ये हमारे ड्राइवर छोड़े आखिरकार, हमने पतंग उड़ाई थी, देखो पतंग ऊपर की तरफ बेहतरीन तरीके से उड़ रही है। सिद्धू उड़ जा, सिद्धू मूसे वाले उड़े नहीं रहा, ऊपर जाएगी क्या, उड़ेगी भैया फिर झोली मारेगी। अबे ऊपर जाए तो सही है, देख रहा हवा लग ज्यादा खींचो मत रहा, हल्का हल्का खींच कहा रहा हूँ, जितना हल्का खींचो ना उनको हल्का सा हल्का जाएगी तो ढिल दो पास कर देता हूँ वीडियो। तो बहुत सैड खबर आई है, आखिरकार पतंग उड़ी तो थी पर पतंग को इसने तोड़ दिया, लग रहा है पतंग उधर से टूट गई है। विशाल वो वाली लेता है, ये थाली बिल्कुल बकवास।
पतंग भी बहुत ज्यादा दुखी करा उसने पतंग ने, और पतंग वो टूट के फट गई लग रहा है। इनकी तैयारी कर रहे हैं भैया, अब इसे कन्ने बराबर बंधेंगे, उसके तो कन्ने बंधे नहीं थे, अब ये पतंग उड़ेगी। सिद्धू मूसे वाले की पतंग तो वो लग रहा किसी ने फाड़ वाड़ दी। अब ये नई पतंग के कन्ने आप देख लो कैसे कन्ने बनते हैं, उसके बाद हम पतंग उड़ा भी देंगे। जल्दी बांधो कन्ने यार, खत्म हो जाएगा टाइम जब आएगा। अभी इधर हो रहा है, देख लो आप किसी को भी अगर कन्ने सीखना है तो हमारे भैया जी बहुत बड़े कन्ने बांधते हैं। गीले हैं, जहाँ मर्जी फंस जाता है। धागा पे रो जा रहा है, और ये मेरा ये भतीजा है छोटा सा, देखो ये भी उड़ा रहा है। हाँ भाई अर्नब, ओए हाय हेलो तो कुछ तो कर दे भाई, सब्सक्राइब वगैरह बोलने के लिए। ये डर गया लग रहा है, सोच रहा है कैमरे के सामने आके, एकदम ध्यान से देख रहा है, फिर कमरे कन्ने की तरफ ध्यान दे। अब बन के तैयार हो गए हैं कन्ने, ऐसे गांठ बांधनी है इसकी, अभी इसे उड़ाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी तैयार हो गए बिल्कुल। ये देखो धागा बंध रहा है, अब मांझा बहुत तैयार हो चुका, मांझा ही बहुत मजबूत आया, देखो पूरी चरकरी फुल भरी हुई है, अभी उड़ने के लिए तैयार हो रही है, अभी कन्ने दिया जाएगा, अब दूसरी पतंग ही दोबारा से उड़ाई जाएगी। अब इन्होंने थोड़ा तेल लगा लिया सर पे पतंग पे हमारे जिया जी ने, क्योंकि इसके थोड़ा सा के टेढ़ा हो जाता है तो सही उड़ती है, झोल नहीं मारेगी पतंग, इस वजह से करा जाता है। शाम के 7 बज चुके हैं, देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, और हम वीडियो को ब्लॉग तो यहीं एंड करते हैं। देखो कितना नीला नीला मौसम हो रहा है पीछे साइड से, कितना नीला नीला मौसम हो रहा है, अभी लाइट आ रही तो थोड़ा सा चेहरा भी दिख रहा है मेरा, तो बिल्कुल अंधेरा था। देखो शाम का टाइम हो गया, अभी लोग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ओके बाय।